गोल गोल गोल। क्यों भैया, क्रेटा वाले भैया रेस कर रहे हो क्या? ओ भैया नहीं आएंगे, बहन जी चला रही है अंदर। एग्जॉस्ट लगा हुआ है टाइटेनियम का, और इसमें भाई ने अभी डीबी क्लर भी इंस्टॉल कर दिया है, तो साउंड इसकी बहुत जबरदस्त आ रही है। तो आपको इसकी साउंड भी चेकआउट कराएंगे बहुत जल्दी इसी ब्लॉग में। अभी हमें जो है ट्रैफिक जो है कम मिलने वाला है, अभी तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था यार। वाह भाई वाह, क्या स्मूथ जाती है भाई। सो ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए ब्रांड एपिसोड में। और आज का व्लॉग हम लोग अपनी जीटी से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 7 o'clock, और सनशाइन बहुत ही बढ़िया आ रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं आज सारा इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है यार, तो लास्ट तक देखना। ट्रिप मैंने भाई जीरो कर ली है, अपने घर से अभी जस्ट निकला ही हूँ और व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले फ्यूल अप कराने वाले हैं अपनी जीटी का। आ गए भैया मेन रोड पर, और फटाफट से पहले फ्यूल अप करा लेते हैं, और कहाँ निकल रहे हैं सारी डिटेल अभी आपको पहुँच के देते हैं। कौन से भैया मिलेंगे हमें यहाँ पे आज? क्या हाल है भैया जी? नहीं है ये लगा दिया तेरे को ये? हाँ ये और काम की चीज़ है, ये चारों तरफ का रिकॉर्ड करता है ये। हाँ मतलब यहाँ तक का भी दिखाएगा ये, और इधर का भी दिखाएगा। ये क्या है? ये सामने का दिखाता है खाली, इससे कोई भी चीज़ छूटती नहीं है इसकी नज़रों से। सो राइट गाइज, निकल चुके हैं भैया, फ्यूल अप हमने करा लिया है, और भैया के रिएक्शन भी ले लिए उन्होंने। इंस्टा 360 को देखकर अपने रिएक्शन दे रहे थे। तो फिलहाल हम लोग मुरादाबाद निकल रहे हैं, और मुरादाबाद जाकर एक बहुत ही बढ़िया राइड करने वाले हैं। एक ब्रदर से मिलने वाले हैं, उनको भी आप लोगों से मिलाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट में रहेंगे यार, नॉट ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये रोड भी हमारी काशीपुर से मुरादाबाद वाली जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बीच बीच के पैच जो है ना काफ़ी ख़राब हैं। बहुत अच्छा आंटी, रुक गई आप। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है, तो इसलिए हम सही स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने शहर से निकल रहे हैं और जल्दी से मुरादाबाद पहुंचते हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 7:10 हो रहे हैं अभी जब हम निकले हैं पेट्रोल पंप से, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। और सो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस लोकेशन पर, और रोड्स की आप कंडीशन ज़रा चेक करना भाई। ये है हाईवे, और इसकी कंडीशन देख लो आप। और इसी की बात कर रहा था मैं अभी कि रोड हमें बहुत ख़राब मिलने वाली है। 15 किलोमीटर आया हूँ अभी मैं अपने घर से, और बहुत ही बुरे पैच मिल रहे हैं रोड के। और ये काशीपुर मुरादाबाद का जो है मेन हाईवे है। तो काफ़ी देर तक हमने अभी राइड कर ली है, ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर राइड करने के बाद हमें यहाँ पर एक कुछ अच्छी सी रोड दिखाई दी है। और व्यू आप ज़रा चेकआउट करो, लेकिन क्राउड देख रहे हो कितनी है। बिल्कुल नैरो रोड है, और क्राउड बहुत ज़्यादा चल रही है इस समय पर। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ से मुरादाबाद केवल 4 किलोमीटर रह जाता है भाई। बस 4 किलोमीटर बाद हम लोग मुरादाबाद पहुँच जाएंगे। गाइस पहुँच चुके हैं मुरादाबाद पर, और यहाँ के स्ट्रीट्स को और यहाँ के ट्रैफिक को फिल्टर करते हुए, तो यहाँ की ट्रैफिक लाइट जो है बिल्कुल फ्री हो चुकी है। कोई भी ट्रैफिक लाइट फिलहाल वर्क नहीं कर रही है, तो इसीलिए इजीली निकल रहे हैं। एंड ब्लैक कलर की क्रेटा, लुकिंग ब्यूटीफुल, स्टनिंग, अच्छी लगती है ब्लैक कलर में क्रेटा यार, नो डाउट। इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अंकल कहाँ आ रहे हो? बीच में ला के रोक दिए, देख रहे हो? क्यों भैया, क्रेटा वाले भैया रेस कर रहे हो क्या? ओ भैया नहीं आई है, बहन जी चला रही है अंदर। कोई दीदी या कोई आंटी चला रही है? आंटी कहना उचित नहीं होगा, तो दीदी बोल देते हैं। मुझे लगा कि कोई भाई बंधु चला रहा है, बट परफेक्ट चला रही है भाई, मज़ा आ रहा है। किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को इस तरीके से ड्राइव करते हुए मैं देखता हूँ ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गुड सॉलिड गाइस, पहुँच चुके हैं, ये खड़ी अपनी जीटी। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई सद्दाम भाई के पास मुरादाबाद में, और यहां पर इनका गैरेज हम चेकआउट कराते हैं आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक्स कलेक्शन है इनके पास में, तो हैव ए लुक। तो भाई यहां गाड़ी है ब्यूटीफुल माइटी ZX10R हनीकॉम वेरिएंट, एंड लुक एट दिस ब्यूटी, क्या ज़बरदस्त लग रही है भाई। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो एक ब्यूटी तो इनकी ये खड़ी हुई है, आप चेकआउट करो। और अभी हम चलने वाले हैं बस इसको लेके राइड पर, और सेकंड ब्यूटी खड़ी है यहाँ पर, ये विंटेज मशीन डैट इज CBR, चेकआउट कर सकते हो कितनी प्यारी कंडीशन में खड़ी है। और इसके बाद जो शो स्टॉपर है वो यहाँ पर खड़ी है भाई, Ninja 250R, बिल्कुल यार रेयर मशीन है, और क्या ही ज़बरदस्त कंडीशन में है यार, मज़ा आ गया इस बाइक को यहाँ पर देख के। तो आप चेकआउट करो इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, बहुत जल्दी इस पर भी आप लोगों को एक व्लॉग देंगे। कमेंट करके बताना कि यार कैसी लग रही है आपको ये बाइक। और ये तो भाई क्या ही कहने इस बाइक के, तो यार चेकआउट करो क्या मेंट कंडीशन में। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा है
प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम। एग्जॉस्ट लगा हुआ है टाइटेनियम का और इसमें भाई ने अभी अभी डीबी क्लर भी इंस्टॉल कर दिया है, तो साउंड इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो आपको इसकी साउंड भी चेकआउट कराएंगे बहुत जल्दी इसी ब्लॉग में। अभी हम लोग निकल रहे हैं राइड पर और हेयर वी हैव ZX10R और डीबी क्लर इसमें इंस्टॉल कर दिया है, फिर भी बहुत प्यारी साउंड आ रही है। तो निकलते हैं फिर अभी हम यहाँ से। चलो भाई, ये रही अपनी GT। बहुत बढ़िया हो गई, बढ़िया स्मूथ हो गई, स्मूथ। चलो यार आपको ये साउंड सुनाते हैं जरा इसका। स्मूथ स्मूथ आ रही है, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारी साउंड आ रही है भाई। इसमें डला है SC प्रोजेक्ट और अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई राइड पे और भाई भी व्लॉगिंग करते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई ने DB क्लर लगाया हुआ है क्योंकि भाई यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सुपर लाउड हो गई थी विदाउट DB क्लर। भाई ने बनवाया है और देन एग्जॉस्ट में फिट करवाया है, ऐसा नहीं है यहाँ कहीं से परचेज़ किया है, मैकेनिकल काम किया है और बहुत प्यारा काम हुआ है भाई। टाइम काफ़ी हो गया है यार, क्योंकि मैं तो अर्ली मॉर्निंग आ गया था यहाँ पे, ऑलमोस्ट 8:30 बजे मैं आ चुका था, लेकिन उसके बाद मैं भाई से बात कर रहा था, काफ़ी देर तक हमारी बातें हुई। आगे फर्दर कैसे कॉन्टेंट शूट करना है भाई, मिलकर शूट करने वाले हैं कुछ कॉन्टेंट आगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई के चैनल को भी, मेरे चैनल को भी सपोर्ट दें। भाई भाई व्लॉग करता है अपना मुरादाबाद से, हम व्लॉग करते हैं अपने काशीपुर से, तो यार सपोर्ट करना। तो अभी हम लोग जरा दिल्ली रोड पर जा रहे हैं और मुझे भाई लोगों के पीछे होना पड़ेगा। रीज़न क्या है भाई, क्योंकि ये जो स्ट्रीट्स फॉलो कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, और बहुत ज़बरदस्त साउंड निकाल रही है यार DB क्लर इंस्टॉल होने के बाद भी। हम आ चुके हैं इस फ्लाईओवर पर और कुछ इस लोकेशन पर और अब थोड़ा सा हम स्ट्रेच लेंगे। और ये ब्रदर भी अपने साथ ही राइड कर रहा है CBR पर 250R। तो भाई अभी अपने पास है 2 CBR 250R और भाई ZX10R और अपनी GT650 से। अभी हमें जो है ट्रैफिक जो है कम मिलने वाला है, अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था यार। वाह भाई वाह, क्या स्मूथ जाती है भाई, बहुत स्मूथ जाती है भाई। सब पता ही क्या कमाल है इसका, ये जो 190 सेक्शन का जो टायर है ना, मतलब इतनी बढ़िया पावर डिलीवर करके देता है ना, तो मज़ा आ जाता है। ऑलराइट गाइस, अभी हम रुके थे भाई के GoPro में, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो GoPro सेट किया, हैंग हो रहा था बार बार, माइक का कोई इशू हो रहा था, तो अभी निकलते हैं फिर। और गर्मी तो भाई भयंकर हो चुकी है इस समय पे, क्योंकि हम काफ़ी ऑफ टाइम पर निकले हैं और इतनी गर्मी में जैकेट पहनना, समझ सकते हो भाई। कूल कूल कूल, देख रहे हो लौंडे कितने एक्साइटेड हो गए, स्कूल वाले बच्चे हैं, फन करते हैं देख के। तो अभी हम इस अंडर पास से निकल के आगे जाएंगे 4 लेन पर, 4 नहीं भाई 6 लेन पर, यू नो 6 लेन। वाह वाह, सुन रहे हो, क्या बात है क्या बात है। इधर फ्लाईओवर है ना, तो इससे साउंड लग के बहुत प्यारी आ रही है। 6 लेन